मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 12 जनवरी के जलसे का असर है और ये सब हमने माइंड सेट किया है कि मालेगांव शहर की जनता जिस तरीके से शेख रशीद परिवार के साथ खड़ी है, ताकत के साथ, और सिर्फ वो खड़ी नहीं है, जनता ने 12 तारीख को दगड़ू आयल मिल के सभा के अंदर आकर ये संदेश दे दिया है हमारे विरोधक को कि हम शेख रशीद के परिवार के साथ खड़े हैं। तो ऐसी घटनाएं हमारे परिवार के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होगी, उसके अंदर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। आपके घर के एक व्यक्ति का नाम भी है क्या, साजिश है क्या? ऐसा है कि मेरा ये मानना है और पुलिस डिपार्टमेंट से विनंती है, या तो मेरे परिवार को सुरक्षा दे दो, प्रत्येक पुलिस एक एक मेरे जो पॉलिटिक्स में है, जो मेरे परिवार के सदस्य है, उनको एक एक को पुलिस बंदोबस्त दे दे, ताकि ये सामने वालों को एक इत्मीनान रहेगा कि हम नहीं थे, या हमको नहीं दे रहे तो हमारे जो विरोधक जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, या उनको बंदोबस्त दे देवे। कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए, जो गलत बातें, जो झूठे आरोप लगाकर, झूठी फरियाद देकर, जो हमारे परिवार के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को जानबूझकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये विनती है पुलिस से, और बहरहाल हमको पुलिस से ज़्यादा विश्वास कोर्ट के ऊपर है, वहाँ पर न्याय मिलेगा, हमारे जो भी झूठे इल्ज़ाम लगे उसके ऊपर न्याय मिलेगा। लोग ये बोल रहे हैं कि जैसा जलसे में आपने बोले थे, या फिर आपके ने बोले थे कि शाम दंड भेद, अब हम सब के साथ में अब हम मैदान में उतर जाएंगे, तो बोले ये उसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है, ऐसा भी इल्ज़ाम लगा। देखो, मैं मेरी ज़बान से किसी को बढ़ावा देना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने भी अपना माजी, अपना कैरेक्टर पुलिस ने तपासना चाहिए कि कितने फ्रॉडी लोग हैं। अब इन लोगों के बारे में बोलना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको सुरक्षा दे दे, या उन सामने वालों को सुरक्षा दे दे। ये तो आप कैसा है, किसको, किसका व्यक्तिगत इंटरनल किसी का कोई भी झगड़ा होगा, कोई भी पॉलिटिकल उनके साथ कुछ झगड़ा होगा तो हमारा ही नाम आएगा। तो इसके लिए मैं तो सरकार से भी डिमांड करने वाला हूँ, पुलिस से भी डिमांड करने वाला हूँ कि हमको सुरक्षा दे या उनको सुरक्षा दे, ताकि ये मैटर क्लोज होना चाहिए। एक टाइम ऐसे हालात क्यों आते हैं कि तुम्हारे कहीं भी गांव में घटना हो, तुम्हारे खानदान से ही जोड़ के मामला आता है? ताकतवर व्यक्ति के साथ ही इस तरीके की साजिश रची जाती, और अल्लाह का करम है कि हम लोग ताकतवर सियासी लोग इस शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने पूरा हरा भरा करके गए हैं, और इसके लिए शेख रशीद साहब के जाने के बाद भी 12 जनवरी को आवाम ने बता दी कि हम आपके साथ हैं, तो ताकतवर लोगों के साथ ये साजिश रची जाती। सब सियासी पार्टियां एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा हो गए, ऐसा कल के बाद ठीक है, सियासत है, इलेक्शन के अंदर अजमाएंगे सब एक दूसरे को, और सब ने अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए। लाचारी की सियासत से अच्छा है कि स्टेटस की राजकारण करना चाहिए, और अपनी स्पष्ट भूमिका, अपनी पॉलिसी सभी पार्टियों ने जाहिर करना चाहिए। ये विनंती है सभी हमारे विरोधक भाइयों से। रशीद साहब के कार्यकाल में पूरा शहर अपोजिशन पार्टियां से विकसित थी, वैसे आप क्या हालात भी आएंगे? आ गए, अब क्या आएंगे, उसके लिए बिल्कुल मैंने तकरीर के अंदर यही मैसेज संदेश दिया हूँ कि शेख रशीद साहब के जाने के बाद हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमज़ोर ना समझें। ऐसे हालात से निपटने की मुकम्मल तौर पर हमारी तैयारी है और हम लोग निपटेंगे। मुकदमे अगर दर्ज होने ही वाले हैं, तालुका के अंदर भी झूठे मुकदमे दर्ज हो गए, लोग जेल में हैं, तो मैंने भी ये माइंड सेट किया था कि हो सकता कि ऐसा है कि बाह्य और मध्य के लीडरान से लड़ना है, और सरकारी पक्ष के लोगों से लड़ना है, सरकार के पक्ष के लोगों से लड़ना है, तो झूठे केस बनेंगे ना। तो इसके लिए मेरी इसलिए मानसिकता थी, इसलिए मैंने वहाँ पर पहले जनता को बोल दिया था, और अभी मानसिकता तैयार है।